बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम मोदी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा साहब को नमन करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा, बाबा साहब भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के साथ साथ सामाजिक समरसता के अमर पुरोधा हैं, जिन्होंने शोषितों और वंचितों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें मेरा सादर नमन। ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब बाबा साहब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नमन किया और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाबा साहब को नमन किया, उन्हें याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर मायावती ने उन्हें नमन किया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में अपने आवास पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस दौरान बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और विधायक कुमार शंकर सिंह भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन किया, उन्हें पुष्प अर्पित किए। इस दौरान महासचिव भी मौजूद रहे। कोई तस्वीर लखनऊ से सामने आई है जहां पर बाबा साहब को नमन किया गया बीएसपी अध्यक्ष मायावती की तरफ से। पीएम मोदी रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। पीएम मोदी 15 दिसंबर को श्रीराम एयरपोर्ट का लोकार्पण कर सकते हैं। इसके बाद 17 दिसंबर को पीएम मोदी वाराणसी भी जा सकते हैं। पीएम मोदी के 2 दिवसीय संभावित दौरे की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। तो 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री वाराणसी जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी पहुंच सकते हैं अयोध्या। उसकी तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी हम अब तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर को पहुंच सकते हैं अयोध्या और उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आगे भी खबर जा रही है और कहीं छोटे से ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं।